दोस्तों इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। कई मोटर कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर को दोस्तों लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज हम जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं ना, सीरियसली वो बजाज चेतक और एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी फेल कर सकती है। दोस्तों कई लोग हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स के ही स्कूटर को खरीदना पसंद करते हैं। इसी को पूरा करने के लिए टीवीएस ने लॉन्च किया है न्यू टीवीएस iQube 2023 इलेक्ट्रिक स्कूटर दोस्तों, जो दोस्तों पहले वाले से भी ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में रखने वाली है कदम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सप्लोर इसके फीचर्स, प्राइस, रेंज को सब कुछ पता चलने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं इसके टेक फायर। तो ब्रांड एमएसआई शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कस्टमर द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस स्कूटर ने पिछले साल यानी कि सन 2022 में अपनी बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। दोस्तों अप्रैल महीने की लॉन्चिंग के बाद अब तक इसको 12 महीने हो चुके हैं और टोटल अगर यूनिट्स की बात करें तो तकरीबन 60,000 यूनिट से भी ज्यादा दोस्तों इसकी सेल हो चुकी है। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको इसके मोटर्स और फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स के अंदर एडवांस हुए हैं। तो इसमें आपको 3.04 किलोवाट आवर की पावर शानदार लिथियम आयन बैटरी मिलती है दोस्तों। इसके साथ आपको 4400 वॉट का पावर आउटपुट वाला BLDC इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, जो सीरियसली काफी पावरफुल होने वाला है। दोस्तों TVS के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्लेटफॉर्म को बेटर नेविगेशन सिस्टम, टेलीमैटिक्स यूनिट, एंटी थेफ्ट और जियो फेसिंग फीचर्स के साथ दोस्तों और बेहतर बनाया गया है इसको। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में वॉइस कमांड का यूज करके TVS iQube Alexa स्किल सेट के जरिए राइडर को जरूरी जानकारी भी दोस्तों मिलती है। मतलब इसके अंदर Alexa जैसा भी कुछ फीचर्स आने वाला है, सीरियसली गुड। तो कंपनी के दावे के अनुसार अगर इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने की बात करते हैं तो 5.5 घंटे का समय तकरीबन लग जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर शानदार 140 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है एंड इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 70 किलोमीटर पर आवर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों जब सभी की बात कर ली तो क्यों ना इसकी कीमत की भी बात कर लें, किस प्राइस पॉइंट पर आपको ये देखने वाली है दोस्तों। तो अगर प्राइस की बात करते हैं तो तकरीबन 1,60,000 रुपए से लेकर के 1,62,000 रुपए के आसपास तक एक्स शोरूम इसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर इसकी अवेलेबल मार्केट में बात करें तो अभी भी इसकी बुकिंग चल रही है और अवेलेबल भी हो चुकी है इंडियन मार्केट के अंदर ये। तो इसकी वेबसाइट पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं क्या फीचर्स और भी ऐड हुए हैं। और अगर किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो बाकी मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पता कर सकते हैं एंड इसकी वेबसाइट पे भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शानदार सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से ठोको यार लाइक एंड पहली बार है तो सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।